जय हिंद, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके बीच इंडियन आर्मी विंग मिलिट्री पुलिस के प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी ने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हम सभी ने टोटल 15 क्वेश्चन किए थे जीके के और 10 क्वेश्चन किए हुए थे जीएस जनरल साइंस के। तो यदि आपसे इंडियन आर्मी विंग मिलिट्री पुलिस के प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1 मिस हो गया हो तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1 देख सकते हो। और देखिए, इससे पहले हम सभी ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम सभी ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बताए हुए हैं, पुराने साल के पेपर्स वुमेन मिलिट्री पुलिस के। तो यदि आपसे वो पेपर्स भी मिस हो गए हो तो उनके वीडियोज के लिंक आपको हमारे आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लिया जाए, आज का हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 26 से हम शुरू कर लेंगे। 26 दिया हुआ है 26 नंबर सवाल, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? बताना है कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन दिया गया ए चीनी, बी नमक, सी पानी या फिर डी अमोनिया। तो देखिए, NaCl मतलब क्या होता है, तो NaCl को यदि हिंदी में बोलूँ तो NaCl, ठीक है, इसके यदि रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। अब बात की जाए कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो NaCl जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका नमक का। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल दिया गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? बताना है कि एल्युमिनियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए AIN, बी Al2N, सी AIN2 या फिर डी AIN3। तो देखिए, एल्युमिनियम नाइट्राइड का जो सूत्र है वो होता है AIA। क्या होता है एल्युमिनियम नाइट्राइड का सूत्र, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का सूत्र होता है AIA। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? बताना है कि निम्न में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है। ए गैंडा, बी हाथी, सी जिराफ या फिर डी ब्लू व्हेल। तो देखिए, सबसे बड़े बच्चे को जो जन्म देता है इनमें से जानवर वो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा प्राणी भी है इस पूरे पृथ्वी पे, सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल है। और अगर सबसे बड़े बच्चे की बात की जाए कि सबसे बड़े बच्चे को जन्म कौन देता है, तो उसमें भी है ब्लू व्हेल, साइज में हर जगह ये आगे है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर सवाल दिया गया है, स्लैश पृथ्वी का सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? बताना है कि निम्न में से कौन जो है वो पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। ए डॉल्फिन, डॉल्फिन पृथ्वी का सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, या हाथी, हाथी पृथ्वी का, बाघ या फिर हिप्पोस। तो देखिए, पृथ्वी का जो सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है वो है आपका डॉल्फिन। सबसे बुद्धिमान स्तनधारी, सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा है स्तनधारी, तो वो हो गया देख लो आपका डॉल्फिन। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 और जीएस सेक्शन जनरल साइंस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे, 30 नंबर सवाल। नंबर 30 30 नंबर सवाल और जीएस सेक्शन का आखिरी सवाल दिया गया है, मछली से श्वास लेती है? बताना है कि मछली किस चीज से सांस लेती है, किस चीज से श्वास लेती है। ए नाक, बी फेफड़े, सी गलफड़ या फिर डी त्वचा। तो देखिए, मछली जो है वो सांस लेती है गलफड़ से। मछली किससे सांस लेती है, तो मछली सांस लेती है गलफड़ से। चलिए हम सभी क्या, हमारा यहाँ पे जीएस सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक हमारा रीजनिंग होगा, क्योंकि आपका 5 क्वेश्चन रीजनिंग से आता है, और बाकी फिर 36 से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक आपका मैथ होगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन मैथ से आता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल दिया गया, 1 2 4 7 11 और फिर यहाँ पे वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह है। बताना है कि यहाँ पे कौन सा पद होगा। तो देखिए, जो पद दिए जाते हैं पहले उन्हें आराम से लिख लिया गया, 1 2 4 7 11 और यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। चलिए, 1 और 2 में क्या करेंगे, तो 1 जोड़ेंगे, ठीक है, जब 1 जोड़ देंगे तो 1 में 1 जोड़ने पर हो जाएगा 2, ठीक है, अब 2 में 2 जोड़ने पे हो जाएगा 4, 4 में 3 जोड़ने पे हो जाएगा 7, 7 में 4 जोड़ने पे हो जाएगा 11। तो यहाँ पे 1 जोड़ रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो लाजमी अगले में क्या जोड़ेंगे, तो 5 ही जोड़ेंगे अगले वाले में भी, तो 5 जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो आ गया आपका 16, और वो कहाँ पे है, तो ए नंबर में। चलिए हम सुनिए क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 32 32 नंबर सवाल दिया गया, 3 27 फिर यहाँ पे वर्ड का चिन्ह है, फिर 125। बताना है कि जो संबंध 3 और 27 में है वही संबंध 125 का निम्न में से किससे है। तो 3 का कौन सा संबंध 27 से है पहले वो देख लेंगे। तो 3 का यदि संबंध निकालेंगे तो अगर आपको याद होगा तो 3 का क्यू होता है 27, ठीक है, 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है। कैसे होता है देख लो यहाँ पे करके एक बार,
तीन का क्यूब मतलब तीन का तो तीन तो एक दो तीन क्या हो गया, तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, तो मतलब तीन का क्यूब होता है सत्ताईस। तो इसी तरह पता करना है इनमें से किसका क्यू जो है वो 125 होता है। तो देखिए पांच का क्यू जो है वो आपका 125 होता है। कितना का क्यू, पांच का क्यू 125 होता है। कैसे, पांच गुना पांच गुना पांच, पांच का क्यू मतलब क्या, तीन तो पांच, तो तीन तो पांच लिख लिए, तो पांच पचे 25 और 25 पचे होता है 125। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल दिया गया है, भिन्न की पहचान करें। हमें यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में से भिन्न मतलब अलग की पहचान करना है। यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तीन के बीच में एक ग्रुप बन रहा होगा और एक अकेला ऐसा होगा जो उस ग्रुप में नहीं होगा, तो हमें उसी ग्रुप को ढूंढना है। तो देखिये पटना, मुंबई, चेन्नई और वाराणसी, इसमें क्या आपको कॉमन लग रहा है? तो देखो पटना, पटना किसकी राजधानी है, बिहार की कैपिटल है, बिहार की राजधानी है। मुंबई किसकी राजधानी है, तो मुंबई जो है वो आपका महाराष्ट्र की राजधानी है। चलिए अब आता है बात चेन्नई, चेन्नई किसका है, तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की। वाराणसी किसकी राजधानी है बताइए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, तो वाराणसी यहाँ पे अलग है क्योंकि सारे तीनों जो वो कैपिटल है वो आपकी राजधानी है लेकिन ये एक शहर है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे भिन्न कौन हो गया, अलग कौन हो गया, तो डी वाराणसी, डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया वाराणसी वो इनमें अलग है वो भिन्न है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल दिया गया, कोयला काला बगुला वोट, बताना है कि कोयला जो है वो काला होता है, कोयला और काला में क्या संबंध है, कोयला का रंग है, कोयला का रंग कौन सा है, काला। दूसरा बगुला का संबंध बताना है निम्न से किससे है, तो बगुला का रंग कौन सा होता है, तो बगुला का रंग सफेद होता है, तो सफेद का नाम इधर कौन है, तो उजला, सफेद को उजला भी बोला जाता है, तो इसलिए बगुला का रंग क्या हो गया, उजला, और बगुला के साथ कॉमन है उजला। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 और रीजनिंग सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे, 35 नंबर सवाल। चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर सवाल और रीजनिंग सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, गलत पद की पहचान करें। बताना है कि इनमें से गलत पद जो यहाँ पे सीरीज दी गई है, जो पद दी गई है उनमें से आपको गलत पद की पहचान करना है। चलिए क्या दिया गया है, तो 2, 4, 8, 12, 32 यही दिया गया है ना, ठीक है यही दिया गया है, तो क्या होगा, तो 4 में 2 तो 2 दूनी 4, 4 से 8 तो 4 दूनी 8, यहां पे भी गुना 2 हो रहा है, यहां पे भी गुना 2 हो रहा है, इसका मतलब आगे वाले में भी गुना 2 ही होगा, तो 8 गुना 2 तो यहाँ होना कितना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था आपका 16 लेकिन है कितना, है कितना 12। तो अब देखिए चेक कर लेते हैं, तो 16 में भी अब यहाँ पे रियल होना चाहिए 16, तो 16 में गुना 2 करके देख लेते हैं कितना आएगा, तो जब 16 में गुना 2 करिएगा तो 16 दूनी 32 आता है, चेक भी हो गया, इसका मतलब हमारे यहाँ पे गलत पद कौन सा है, तो गलत है 12, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया बी, बी में जो 12 नंबर दिया गया है वो गलत पद है। चलिए यहाँ पे जो है हमारा रीजनिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 36 36 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे मैथ को। तो चलिए शुरू कर लिया जाए क्वेश्चन नंबर 36 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल दिया गया, अंडर रूट 0.16 बराबर व्हाट, 0.16 बराबर कितना होगा, तो चलिए अंडर रूट, ठीक है क्या दिया हुआ है, 0.16, तो यहाँ से दशमलव हटा देंगे, तो कितना अंक के बाद हटाया, 2 अंक के बाद हटाया, इसलिए 2 जीरो हो गया नीचे, यहीं से आगे बढ़ रहा हूँ, अब ये क्या बन गया, 16 बन गया, हो गया आपका 16/100। अब देखो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, यहाँ के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, मिस्टेक मत कीजिएगा, क्या हो गया अंडर रूट, 4 का स्क्वायर मतलब हम 2 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 4, और 10 का स्क्वायर मतलब हम 2 × 10 लिख सकते हैं, 10 × 10, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 4 है अंडर रूट में, तो 1 4 बाहर आएगा, रूट टूटेगा तो 1 4 बाहर आएगा, तो हो गया 4, 2 10 है अंदर में, तो 1 10 बाहर आएगा, तो हो गया 10/2। अब नीचे 1 0 है तो ऊपर में 10 बैठाएंगे, तो 1 अंक के बाद हम 10 बैठा देंगे, तो हमारा आंसर हो गया 0.4। ये कैसे किया, तो यदि नीचे 2 0 होता तो 2 अंक के बाद 10 बैठा दे, 3 0 होता तो 3 अंक के बाद 10 बैठाते, है 1 0 इसलिए 1 अंक के बाद 0 बैठा देंगे, तो 0.4 ये हमारा हो गया आंसर। चलिए हम सर क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल दिया गया, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया 35 का 12% होगा, बताना है कि 35 का 12% कितना होगा, तो उसी में हमें आंसर लाके सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है कि सबसे सही विकल्प कौन सा है।
चलिए देख लेंगे 35 का 12%, तो 35 का का मतलब हो गया गुना और 12% हटाएंगे तो नीचे हो जाता है बट्टा में 100। ठीक है, कैसे होगा तो चलेंगे, यदि इसको कट करना है हमें तो कैसे होगा, तो चलिए काटते हैं। तो 2 से कितना बार में ये कटेगा, 6 बार में, और 2 से ये कितना बार में कटेगा, 50 बार में। ठीक है, अब क्या हो गया, फिर 2 से ये 3 बार में, और फिर 2 से ये 25 बार में। अब क्या करेंगे, 25 से 35 है तो 5 5 25 और 5 7 35 कितना आ गया, 21/5 आ रहा है आपका 21। जो बच रहा है पहले उसको भी लिख लिया जाए, 7 और 3 बच रहा है ऊपर में, 7 × 3 और नीचे बच रहा है 5। ठीक है, तो यहीं पे चलेंगे 17 21 और बटा में 5। अब देखिए इधर 5 से 21 में भाग दे रहा हूं, तो 5 से 21 जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बच्चों का 20 कट गया 1। अब कुछ भी नहीं तो दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं, 1 दशमलव लगाने वाले 0 लिख सकते हैं, तो हो गया 5 × 10 कट गया। कितना बार में कट रहा है, 4.2 बार में, 4.2 बार में। तो हमारा आंसर हो गया 4.2 4.2, कहाँ पे दिया हुआ है, तो सी नंबर में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल दिया गया है, 1 − 10 45° इक्वल टू व्हाट, कितना होगा, चलिए करके देख लेंगे क्या दिया है, 1 माइनस, तो 10 45° का वैल्यू जो है, 10 45° का जो मान है वो होता है 1। याद कर लीजिएगा इस चीज को, क्लास 10th में ही आपने पढ़ाया 10 45° का वैल्यू होता है 1। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, आप ही बताओ, 1 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर हो गया डी। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल दिया गया, 25 30 एवं 60 का महत्तम समापवर्तक निकालें। यहाँ पर 25 30 एवं 60 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे HCF, पहले जो तीनों अंक दिए गए उन्हें लिख लेंगे, 25 30 और फिर दिया गया 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको अभाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे, तो 25 को कितना बार तोड़ेंगे, तो 5 × 5 25 टूट गया, 5 × 5 25, और तो इससे कुछ टूटेगा नहीं, ये टूटेगा। अब है 30, तो 30 को इधर तोड़ के देखेंगे अभाज्य गुणनखंड से, कितना बार में, 2 बार में 15 और फिर 2 फिर 3 से जाएगा, 3 से 5 बार, कितना आ रहा है, 2 × 3 × 5 ये हो गया। चलिए अब देख लेंगे आगे कैसे होगा, आगे है 60 को तोड़ेंगे, 2 से 30 2 से 15 और फिर 3 से 5, क्या आ रहा है, 2 × 2 × 3 × 5 ये आ रहा ना। अब देखिए सी एफ कैसे निकालें, पहले तो ऐसे तोड़ लेंगे, तोड़ने वाले सी एफ निकालने का नियम है कि इन जितना भी अंक को आप तोड़ें उतना अंक में जो भी संख्या कॉमन है वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इनमें से इनमें क्या कॉमन, 2 लेते हैं, 2 क्या तीनों में है, तो 2 तीनों में नहीं है, फिर कौन सी एक और संख्या, 3 क्या तीनों में है, तो 3 भी तीनों में नहीं है, तीनों में केवल एक ही संख्या और वो है आपका देख लो ये 5। तो तीनों में जो संख्या मिलती है वही आंसर होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, HCF ऑफ 25 30 60, तीनों में कौन सी संख्या मिली, 5, तो हमारा आंसर हो गया 5। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल देख लेंगे, 5 इसको टिक कर देता हूँ, 40 नंबर सवाल कर लेंगे हम सब। 40 नंबर सवाल दिया गया, √0.25 + √0.64 बराबर व्हाट, तो जैसा पिछला क्वेश्चन ने किया था 0.16 वाला, ये भी वैसे ही जाएगा, कैसे करना है बता दे रहा हूँ। चलिए √0.25 में से क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे सबसे पहले, तो नीचे बैठ जाएगा 100, फिर जोड़ का चिन्ह, √0.64 में से दशमलव हटाएंगे तो नीचे बैठ जाएगा 100। ठीक है, अब क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, अंडर रूट कितना है, 25/100 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका देख लो 64/100 यही बना। फिर आगे बढ़ेंगे, 25 जो है वो देख लो आपका 5 का स्क्वायर होता है, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना कर लिया, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 2 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 2। ठीक है, फिर प्लस का साइन हो गया, 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 2 तो 8 × 2, और 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 2 तो 10 भी हो गया 2। चलिए यहां तक आप सब
यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे बढ़ेंगे, दो पांच बराबर कितना पांच बाहर आएगा, एक पांच, और दो दस बराबर एक दस बाहर आएगा, ठीक है। दो आठ बराबर एक आठ बाहर आएगा, और दो दस बराबर एक दस बाहर आएगा, रूट टूटेगा तो क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे, दस और दस का एलसीएम दस ही हो जाएगा। पांच दस को कितना बार में काटेगा, दो बार में, ठीक है। दस दस को कितना बार में काटेगा, सॉरी ये दस, ठीक है, दस से दस कितना बार में कटेगा, एक बार में, जितना बार में कटता है दस ऊपर वाले में गुना करते हैं तो पांच एकम हो गया पांच, प्लस का चिन्ह, दस से दस कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो जितना बार में कटता है दस ऊपर वाले में गुना करते हैं तो एक से आठ में गुना करेंगे तो हो गया आठ। क्या आ रहा है आपका, तो आंसर आ रहा है लास्ट आपका देख लो, आठ और पांच हो गया तेरह, तेरह बटा दस। अब जितना जीरो उतना अंक पर दस मान लो, तो एक जीरो है नीचे, एक अंक पर दशमलव होगा, तो क्या हो गया आंसर हमारा, एक दशमलव तीन। कहां पर दिया हुआ है, सी नंबर में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल कर लेंगे। 41 41 नंबर सवाल दिया गया, 65 का 220 प्रतिशत बराबर व्हाट, 65 का 220 प्रतिशत कितना होगा, तो चलिए निकाल लेंगे। क्या दिया, 65 का मतलब गुना, और 220 प्रतिशत है तो 220 प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हो गया बटा में 100, ठीक है। अब क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या 65 है और 10 है, ठीक है, तो क्या होगा, 5 से काटेंगे दो बार में, और फिर 5 से ये भी कटेगा 13 बार में, 2 से ये कट जाएगा आपका 11 बार में, तो क्या हो गया, तो आपका हो गया देखो 13 गुना 11 करेंगे तो 13 धा होता है 130, और फिर 11 और फिर एक तो 13 हो गया, 130 से 13 हो जाता है 143, तो आएगा हमारा 143। लेकिन ऐसे करके देख लेते हैं कितना आता है, 13 गुना 11 3 एकम 3 1 एकम 1 वही 13 एकम 13 आया ना 143, क्या आ रहा है 143, ठीक है। 65 का 220 प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 65 का 220 प्रतिशत जो है वो आपका हो जाएगा 143, सी नंबर ऑप्शन। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल दिया गया, 80-5 गुना 26-8 गुना 3+12 बराबर कितना होगा, तो ये देखो ये जो है ना ये टोटली आपका बोर्ड मास है, ठीक है। तो बोर्ड मास को कैसे बनाते हैं, पहले 20 होता है ब्रैकेट, फिर ओ से ऑफ मतलब का काम, फिर होता है डी डिवाइड, फिर एम मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, फिर होता है ए से होता है एडिशन, वो फिर हो गया मतलब आपका जोड़, और एडिशन के बाद होता है ए से सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ, तो वही करेंगे इसमें भी, पहले भाग का काम, फिर गुना का काम, फिर जोड़ का काम, उसी तरीका से धीरे धीरे हम सब चलते रहेंगे, भाग कर लेंगे, फिर गुना कर लेंगे, फिर आपका जोड़ कर लेंगे, जैसे दिया गया है बस उसी तरीके से हम सब जो है चलते रहेंगे। तो चलिए क्या है इसमें, क्या आपको सबसे पहले तो गुना का काम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट बी होता है, बी से मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो 80-5 ये सेम है चलते रहेगा, गुना ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर भी किसका काम करेंगे, ये नहीं कि 26 में से 8 घटा देंगे और घटाने पर जितना आएगा उतना में गुना 3 कर देंगे, नहीं, पहले होता है मल्टीप्लीकेशन, सबसे आखिर में होता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ, सबसे पहले होता है भाग के बाद गुना होता है और घटाओ सबसे अंत में होता है, तो पहले आप गुना कर लेंगे, तो 26 था और 8 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया 24, और प्लस में दिया हुआ है 12, ऐसे ही अभी चलते रहेगा 80। अब देखो ये नहीं कि 5 घटा के लिख देंगे आप 75, यही तो बोर्ड मास में नहीं है, पहले गुना का काम कंप्लीट करेंगे फिर जोड़ तब घटाओ पे आएंगे, तो घटाना है तो घटाओ का प्रोसेस अभी नहीं होगा, ये सेम है जैसे ही चलते रहेगा, गुना हो गया, ठीक है। 26 में से 24 गया तो अभी देखो जोड़ नहीं सकते, सबसे पहले बता रहा हूँ, फिर ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट का काम निपटा लेंगे, तो 26 में से 24 गया तो कितना बचा 2, और फिर है प्लस में 12, यही है ना। अब क्या करेंगे देख लीजिए, 80-5 हुआ, फिर हो गया आपका 2 प्लस में 12, यही चल रहा है, तो 80-5 हो गया, फिर हो गया प्लस में, फिर हो गया इंटू 2 और प्लस में 12, तो अब क्या करेंगे, जोड़ है गुना है घटाव है, तो बताया पहले गुना का काम, तो 80 गुना का काम 5 दुनी हो गया 10, फिर है प्लस 2, क्या हो जाएगा अब 12 है, ठीक है, ये कितना है, तो ये 12 है। अब क्या हो जाएगा, तो अब अगर ध्यान से जब आप सब देखोगे तो अब क्या होगा आपका, तो अब हो जाएगा आपका देख लो, ये है प्लस, ठीक है, ये आपका है प्लस और ये भी है प्लस, ठीक है, तो पहले जोड़ का काम होगा, तो प्लस और प्लस क्या होगा जुटेगा, तो 80 और 12 कितना हो गया,
80 और 12 हो गया 92 और ये माइनस में 10 है। अब घटाव का काम करेंगे तो 92 में से 10 गया तो हो गया 82। तुम्हारा सही उत्तर है बी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल कर लेंगे। 43 नंबर सवाल दिया गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। हमें यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होता है, कितना होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताओगे। उसमें क्वेश्चन नंबर लिख देना और क्वेश्चन नंबर से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो कमेंट कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इजी है और मैं आपके ब्रेन लेवल को ही चेक करने के लिए सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो भी आपसे मैं क्यूजी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो इसके आंसर मुझे जरूर सेंड करना। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 नंबर सवाल चेक कर लेंगे। नंबर 44 नंबर सवाल दिया गया, कुल आय यदि 30,000 है तो 5 व्यक्तियों की औसत आय क्या है। हमें कुल आय दिया गया कि पूरा कमाई कितना हो रहा है, पूरा इनकम कितना है, 30,000 रुपया है, तो 5 व्यक्ति का आय कितना होगा, 5 व्यक्ति का औसत है, मतलब कि 5 व्यक्ति को कितना कितना रुपया पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, लिख लेंगे कुल आय। कुल आय कितना है तो कुल आय देख लो आपका 30,000 रुपये। फिर निकालना है औसत आय कितना व्यक्तियों का, तो 5 व्यक्तियों का, ठीक है। तो लिख ले रहा हूँ यहाँ पे औसत आय बराबर कितना व्यक्ति का निकालना है, 5 व्यक्ति का। तो यदि कोई आपसे बोले कि 4 लड़कों ने मिलकर 20 रुपए का समोसा खाया, ठीक है, तो एक लड़के ने कितना का खाया, तो सीधी सी बात, अगर 4 मिलकर 20 का खा रहा है तो 20 में जितना समोसा का दाम उससे भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। यदि एक समोसा का दाम 5 रुपए है, ठीक है, तो उसको कितना, 4 लड़कों ने खाया है तो एक मतलब 55 रुपए का खाया है। तो इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है, यहाँ देखिए 30,000 रुपए, 30,000 रुपया था टोटल कितना था 30,000। अब हमें यहाँ पे 5 व्यक्तियों की औसत आय बतानी है, मतलब हमें इसको कितना भाग में बांटना है, 5 भाग में। 5 भाग में जब हम इसको बांट देंगे तो पता चल जाएगा कि 5 के बीच कितना कितना रुपया पड़ रहा है। तो 5 जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 6 30 और 3 तो 0, मतलब 6,000। तो प्रति व्यक्ति कितना है 6,000 और टोटल 5 व्यक्ति मिल गया तो 6 × 5 हो गया 30, तो 30,000। तो मतलब 5 व्यक्तियों की औसत आय कितनी हो गई, तो औसत आय हो गई 6,000 रुपये। कहाँ पे दिया हुआ है, तो बी नंबर में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 नंबर सवाल कर लेंगे। 45 नंबर सवाल दिया गया, समीकरण को हल करें। यहाँ पे जो हमें समीकरण दी हुई है इसे हमें हल करना है, इसका आंसर निकालना है। तो समीकरण क्या है, तो दशमलव का गुना है। तो देखो दशमलव का गुना करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो वो है ना कि दशमलव को ध्यान में ना रखना, ठीक है, बिना दशमलव ध्यान में रखे पहले स्टार्टिंग में गुना कर लिया जाता है। तो इधर गुना कर लेंगे, कितना है 155 × 12, ठीक है, बिना दशमलव को ध्यान रखे ये गुना करना है हम सबको। 5 × 10 का 0 हासिल 1, 5 × 10 और 1 हासिल हो गया 11 का 1 हासिल 1, 2 × 2 = 1 और 2 × 2 और 1 हो गया 3, ठीक है, और फिर क्या हो गया 5 × 5, 5 × 5 1 × 1 कितना आ गया 0, 5 × 1 = 6, 5 × 3 = 8 और 1 कितना आ रहा है 1860, लिख लेंगे आराम से 1860। अब देखिए कितना दशमलव था, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, तो जो गुना में है मल्टीप्लिकेशन में दशमलव जुटता है, तो वही होगा, ये 1 इसका जुड़ जाएगा और ये 1 इसका जुड़ जाएगा, दोनों जुड़कर कितना हो गया 1 और 1 हो गया 2, तो मतलब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। तो अब क्या हो गया, तो हो गया आपका देखो 18.6, दशमलव की जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए हमारा आंसर आ रहा है 18.6, वो कहाँ पे है बी नंबर में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 नंबर सवाल कर लेते हैं। 46 नंबर सवाल दिया गया, 11/8 × 56/33 बराबर वोट कितना होगा, ये हमें बताना है सॉल्व करके। तो क्या है 11/8 × 56/33, 8 से 56 कटेगा 7 बार में, 11 से 33 कटेगा 3 बार में, तो क्या हो गया हमारा, हो गया देखो 7/3। अब ये कैसे होगा, तो देखो 7/3 नहीं, हमें पूर्णांक के रूप में इंटीजर के रूप में इसका आंसर देना है। तो कैसे होगा, तो पहले 3 से ना भाग दे के देखते हैं 7 को, तो 3 × 2 = 6 = 1 बच गया, ठीक है। तो इंटीजर ऐसे ही देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो नीचे रहता है, जितना भागफल होता है वो बगल में रहता है और जो शेषफल होता है वो ऊपर रहता है, ताकि फिर जब इन में गुना होता है, क्या होता है कि इस फॉर्म में इन दोनों में गुना होता है और गुना करने में जितना आता है उतना में इसको जोड़ते हैं। तो 3 × 2 = 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7, तो देखो 7/3 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया 2 × 1/3, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 नंबर सवाल कर लेंगे। 47 नंबर सवाल दिया गया, 2.487 + 5.897 - 3.269 बराबर कितना होगा।
तो देखिए इसमें क्या करेंगे, बुढ़मा सी है तो पहले जोड़ फिर घटा होता है, तो पहले इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ने पर जितना आएगा उतना में से इसको घटा देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, कैसे करेंगे, 2.487 प्लस में 5.897, इन दोनों क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, 7 × 7 = 14 हासिल 1, 9 × 8 = 17 और 1 × 18 = 8 हासिल 1, ठीक है। फिर से 7 × 7 = 14 हासिल 1 हो गया, 9 × 8 = 17 1 × 18 = 8 हासिल 1, 8 × 12 और 1 हो गया 13, अभी भी हासिल 1 है, 5 × 2 = 7 और 1 हासिल हो गया 8, 8.384, फिर 3.269 इसको क्या करेंगे घटा देंगे, 3.269 इसको घटा देंगे, क्या हो गया 14 में से 9 गया तो कितना आएगा 5, ठीक है। यहाँ पे बचा 7, 7 में से 6 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1 और 8 में से 3 गया तो 5, 5.115 कहाँ पे है, बी नंबर में। चलिए हम चले क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 48 48 नंबर सवाल दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर व्हाट, बताना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर d a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपका वर्क है ये, आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर के साथ जो भी आपको सॉल्यूशन सही लगता है वो लिखकर भेज देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपने आंसर सही दिया है या नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल लिख लेते हैं। नंबर 49 49 नंबर सवाल दिया गया, ₹475 के अंकित मूल्य पर 15% छूट के बाद देय राशि क्या होगा, बोला जा रहा है कि ₹475 का कोई चीज है, ठीक है, उसमें 15% यदि आपको छूट मिल गया तो फिर आपको कितना राशि देना होगा, कितना पैसा पेमेंट करना होगा। चलो कितना है 475, इस पर कितना छूट मिल रहा है तो 15%, प्रतिशत रहेंगे तो नीचे हो गया बटा में 100। अब क्या करेंगे तो कट करते हैं, लाजमी है, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है। अब फिर 5 से ही चलेंगे, 5 से ये कितना बार में जाएगा 4 बार में, और 5 से ये कितना बार में जाएगा तो 5 × 9 हो गया आपका देख लो 45, और फिर हो गया 5 × 2 = 2 तो 95 बार में जाएगा। अब क्या होगा तो 95 × 3 / 4 बार करके देख लेते हैं कि 5 से ये कितना बार में जा रहा है 475, ठीक है, 5 × 9 = 45, 2 × 5 = 5, 5 × 5 = 95 बार में ही जाएगा। अब क्या हो गया 95 × 3 / 4 कर लेंगे, ठीक है, गुना करेंगे 95 × 3 कितना हो जाएगा देख लो इधर 95 × 3, 5 × 3 = 15 × 5 = 1, 9 × 3 = 27 × 28 = 28 कितना हो गया 285, ठीक है, कितना आ रहा है 285 और बट्टा में हो गया 4। अब हमें देखिए 4 से 285 को कट करना है, कर लेंगे 4 से 285 / 28 कट गया, 5 × 4 = 4 = 1, अब 10 लगाएंगे, ठीक है, 10 पॉइंट लगाते 10 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे तो 4 × 2 = 8 फिर बचा 2 और 10 लगाया है इसलिए 0 का यूज हम 10 का यूज हमेशा कर सकते हैं, तो फिर 0 आ गया तो आ गया आपका 4 × 5 = 20 कितना आ रहा है 71.25, काटने में कितना आएगा तो आ रहा है देख लो आपका 71.25, ये हो गया आंसर और ये दिया गया है बी नंबर में। चलिए अब हम चले क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी सवाल कर लेंगे 15 नंबर सवाल को। 50 नंबर सवाल दिया गया, बेलन का आयतन बराबर व्हाट, बताना है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर एच, बी पाई आर स्क्वायर एच, सी 2πr या फिर डी 2πr h। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप पर ही छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जाना, क्वेश्चन नंबर लिखना और क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर भेज देना, जो भी आपको सही लगता है मैं आपको बता दूंगा कि आपने सही बताया है या नहीं। आज मैंने करीब आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, तीनों फॉर्मूले ही पूछे हुए हैं, तो इसलिए कमेंट जरूर करना, कमेंट करके आंसर बताना, और यदि ना भी पता हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है। तो अभी के लिए इतना ही, इसी के साथ हमारा जो है आपका प्रैक्टिस सेट 2 भी क्लियर अप हो चुका है, अब नेक्स्ट आपसे मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 3 के साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस का, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्लासेस करते रहे, रिवीजन करते रहें, जय हिंद जय भारत।